चुनाव जीते हैं, इस उपचुनाव में पूरे देश के नजर में और ये पार्टी को कामयाबी मिली है। ये आप सब लोग आपके साथ आप सभी को साथी हर समाज हर वर्ग के लोग ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया और चुनौतीपूर्ण समय में आज सरकार का पूरा दबाव था, सरकार के बच्चे हैं और उसके सब लोगों ने एकजुटता दिखाई और विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई मीना जी का, हमारे जिलाध्यक्ष जी का, हमारे प्रमुख प्रमुख मंडल तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता पहले दिन से आप लोगों ने एकजुटता दिखाई और जिस ताकत के साथ तमाम दबाव भी आए हैं मैं जानता हूँ पुलिस के प्रशासन के सरकार के सामाजिक दबाव बावजूद इसके आप लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी का मान सम्मान बढ़ाया है ये बात सही है कि उपचुनावों में जो परिणाम पूरे प्रदेश में आए हमारे पक्ष में नहीं रहे उसका जो मंथन करेंगे आगे क्या करना है, लेकिन दौसा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा से जो ये पार्टी की जीत हुई है इसका श्रेय मैं आप सब लोगों की मेहनत देना चाहता हूँ। शर्मा जी कह रहे थे कि आने वाले 4 साल में सबको साथ लेकर चले समाज में 36 कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ कर रखें और दौसा विधानसभा क्षेत्र दौसा जिले के लिए जो भी संघर्ष करना होगा हम सब मिलकर करेंगे। इस क्षेत्र में दशकों तक हम सबका सहयोग किया, पार्टी का गढ़ रहा और आप सब ने आज ये वास्तव में साबित किया है कि देश में जो नाम दौसा का है और कांग्रेस से जुड़ा हुआ है वो कितना मजबूत है, जड़े कितनी मजबूत है और आप सब सहयोग भी दिया, प्यार भी दिया और एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में एक आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को जो पार्टी का वफादार रहा उसको पार्टी ने टिकट दिया। आप सबने सहयोग कर आज पार्टी को आपने विधायक बनाया है और जैसा उन्होंने कहा कि चुनाव के समय अगर हम सब एकजुट नहीं रहते तो ये चुनाव अपन इतना आसान नहीं था हमारे लिए, लेकिन मैं जानता हूँ आप सबने जो पूरे देश प्रदेश को उदाहरण दिया है एकजुटता का, प्यार का, भाईचारे का, साहस का, परिश्रम का, त्याग का, तपस्या का, उसको पूरे देश ने देखा है और मैं फिर आप सब लोगों का अच्छा माहौल पार्टी का बना और भाजपा की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ी, पार्टी पूरा संगठन पूरी सरकार मंत्री सब लगाया, लेकिन आप सबकी जीत कामयाब हुई और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस उपचुनाव से आने वाले समय में आप सब लोगों को ताकत मिलेगी और आप लोगों समाज का वो स्मरणीय है और आपकी जिम्मेदारी पूरे परिवार को सबको साथ बहुत बहुत धन्यवाद।